राहुल गांधी ने क्या कहा ये सूची देखकर। भले ही 106 नामों की ये सूची फाइनल हो गई है, इस पे मोहर लग चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये कहा कि अरे ये तो वही पुराने नाम है। बात हुई थी कि नाम बदले भी जाएंगे, युवा चेहरों को लेकर आया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने सूची को देखकर कहा ये तो वही पुराने नाम हैं। ऐसे में 106 नाम की सूची पर मोहर लग चुकी है। और अगर कुछ नामों का आप जिक्र करें वो कौन है, तो देखिए कि रफीक खान इसमें नाम है, इसमें प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, रमेश मीणा हैं, राजेंद्र यादव हैं, ममता भूपेश हैं, मुरारी लाल मीणा हैं, दानिश अबरार हैं, रोहित वोरा हैं, मलिंगा हैं, रामकेश मीणा हैं, आपको बता दें कि मनीषा देवी हैं, केदारगढ़ सूरतगढ़ पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट मिल गई है सांगानेर से, अर्चना शर्मा के लिए मालवे नगर कर दिया गया है, इसके अलावा राजेश पारेख हैं, चेतन डूडी हैं, ऐसे तमाम नाम हैं जो विजेंद्र हमने पहले भी आपसे जिक्र किए थे, इन सभी को नामों को फाइनल कर दिया गया है। और आपको बता दें कि 106 नामों पर मोहर लग चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज लिस्ट आएगी 40-50 नामों की, एक साथ पूरी लिस्ट नहीं बाहर आएगी, कुछ नामों की ही लिस्ट को बाहर किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का रिएक्शन यही था कि अरे ये तो वही पुराने नाम है। तब ये कहा गया स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से कि जहां पर विकल्प हैं वहां पर हमने नाम बदले हैं, पर जहां विकल्प नहीं है वहां पुराने नामों के साथ ही आगे बढ़ रहे। सारा मुद्दा है जिताऊ उम्मीदवारी का। ये 106 पहले ही तैयार थी, सिंगल पैनल लेके गए थे, उसे 106 को वहां पर रख दिया। उस 106 में जब बात विवाद हुआ, चर्चा हुई, तमाम चीजें हुई, तो उसमें ये लगा कि मोर और लेस इनसे बेहतर उम्मीदवार फिलहाल अभी आज हमारी बुक्स में नहीं है, हमारी अलमारी के अंदर, हमारी तिजोरी में नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी ने इस बात की टिप्पणी कही कि ये तो पुराने वही नाम है, लेकिन फिर ये बताया गया कि जहां पर सबसे बेहतर उम्मीदवार थे हमने उनको भी लड़ा दिया, जहां पर सर्वे में बेहतर अच्छा नहीं आ रहा था पर वहां पर उम्मीदवारी नहीं है तो हम पुराने के साथ आए हैं, लेकिन कई जगह हम नए चेहरों को लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने समझा दिया कि इन 106 के अलावा जिन लिस्ट को लेकर आओगे उसमें कुछ नयापन होने की जरूरत है, पार्टी इससे उम्मीद करती है। फिलहाल आपको बता दें कि 106 की लिस्ट अप्रूव कर दी गई है। एक बार फिर मैं आपको, जैसे मैंने आपको नामों का जिक्र किया, हमारे साथ नए दर्शक बार बार जुड़ रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका नाम अभी मैंने नहीं लिया, लेकिन शकुंतला रावत भी हैं, रफीक खान हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, रमेश मीणा हैं, राजेंद्र यादव हैं, ममता भूपेश हैं, मुरारी लाल मीणा हैं, दानिश अबरार हैं, रमेश मीणा हैं, मलिंगा हैं, रामकेश मीणा हैं, मनीषा देवी हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज का टिकट फाइनल हो गया है, अर्चना शर्मा का टिकट फाइनल हो गया है, राकेश पारेख, चेतन डूडी, ये तमाम वो नाम हैं जिनका टिकट फाइनल यहाँ पर कर दिया गया है, 106 की सूची को फाइनल कर दिया गया है। जी, राहुल गांधी का रिएक्शन था कि तो वही पुराने नाम है, तो ये तो कहा जाना सही नहीं होगा कि इन 106 नामों में से कोई ऐसा नेता है जो भारत जोड़ो यात्रा से निकल कर नेता बना है, ऐसा कोई नेता नहीं। दूसरी बड़ी बात है कि जाहिर तौर पे कुछ नाम आए हैं, आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा में जैसे दानिश अबरार हैं वो लगातार थे, अगर हम बात करें आसीन से जिस तरीके से वो भी एमएलए हैं वो लगातार थी, तो ऐसे में तमाम नाम हैं, लेकिन कोई वहां से निकला हुआ नेता हो फिलहाल इसमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दातारामगढ़ से एक प्रत्याशी हैं जो पूरे समय राहुल गांधी के साथ थे, तो उनका नाम इसमें अभी तक नहीं है, पर शामिल हो सकता है आने वाले समय में, हालांकि बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। पूरा का पूरा मामला यही है कि अगर कहीं पर जिताऊ उम्मीदवारी नहीं है तो वहाँ नए चेहरे लेकर आएं जो पार्टी के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, और पार्टी के लिए संघर्ष राहुल गांधी के साथ पैदल चलने में भी हुई थी। तो राजस्थान में अगर कोई ऐसी सीट है जहाँ पर उम्मीदवार नहीं है या उम्मीदवार होने के बावजूद भी हार रहे हैं, चीज़ें स्थिति ठीक नहीं है, तो वहाँ पर फिर ऐसे नए चेहरे लेकर आएँ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन पर चर्चा यहाँ पर की जा रही थी। जी बिल्कुल, तो पुराने चेहरे दरअसल ये कलेक्टिव डिस्कशन के साथ निकाली हुई सीटें हैं, कलेक्टिवली डिसाइड की हुई सीटें हैं और बिना विकल्प वाली सीटें हैं, जिसमें आप देखिए सर्वे में अगर अशोक गहलोत बेहतर है तो उनके अलावा कौन लड़ेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसे नाम हैं जो चुनाव में उतारे जा रहे हैं, सचिन पायलट है, गोविंद सिंह डोटासरा है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ 106 नाम हैं और पुराने ही नाम हैं, तो संभवतः वही नाम होंगे जो पहले पार्टी के साथ रहे हैं, यानी कि पहले अशोक गहलोत के साथ रहे हैं। तो लेकिन इसको किसी की छाप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि ये सामूहिक रूप से डिस्कस हुआ है, स्क्रीनिंग कमेटी में इस पर चर्चा हुई है, तमाम इसमें बातचीत हुई है, तो कलेक्टिवली जो डिसाइड हुआ, कलेक्टिवली जिस पर मोहर लगी उस पर इसमें चर्चा हुई और फिर उसको सीसी में लेकर आए गए और फिर सीसी में इसमें मोहर लगा दी गई।